बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुकर्रम सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मटन कीमे की। तो ये बड़ा ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगा। और आज मामू आए हुए हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ स्पेशली। तो बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 kg कीमा है हमारे पास। सबसे पहले कीमे को हम कढ़ाई के अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थोड़ा सा पानी शामिल किया, उसके बाद इसमें हम कीमा शामिल कर देते हैं। दो अदद इसमें प्याज शामिल किए। तीन टमाटर जाएंगे इसमें मीडियम साइज के। और थोड़ी सब्ज मिर्च भी जाएगी। साथ ही इसमें अदरक का पेस्ट जाएगा। नमक भी थोड़ा सा जो इसमें हम शामिल कर देते हैं। अभी जनाब हम इसमें सब्ज लहसुन शामिल करते हैं, क्योंकि आजकल जो गाँव में ज़्यादा सब्ज लहसुन ही इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यही इसमें भी हम शामिल करेंगे। इसको हमने लहसुन जो है ये कूट के शामिल कर रहे हैं। कीमे ने पानी छोड़ दिया, अभी हम ढक्कन को ऊपर दे देते हैं। कीमे का कलर भी चेंज हो गया और इसमें टमाटर जो है वो भी हमारा गल चुका है, और कीमे ने पानी भी छोड़ दिया। अभी हम इसमें रेड मिर्च थोड़ी सी और हल्दी जो है वो शामिल कर लेते हैं। मामू जो है वो नमक और मिर्च बहुत कम खाते हैं, इसलिए तकरीबन आधी चम्मची जो है वो हम ये मिर्चें शामिल करें, आधी से भी कम करेंगे। और आधा ही चम्मच इसमें हम छोटी चम्मची ये जो है ये हल्दी की शामिल करेंगे। तो हलाना अभी भी हमने नहीं, अभी इसको थोड़ी देर और डाम देते हैं, कीमे को अच्छे तरीके से गलने देंगे, उसके बाद जो है। अभी जी कीमा हमारा जो है वो तकरीबन गल चुका है, बिल्कुल मामूली सी कसर बाकी है। कीमा हमारा हो गया तैयार, तो अभी इसमें हम लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो कुकिंग ऑयल बिल्कुल मामूली सा शामिल करेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और ये बिल्कुल हमने सादे तरीके से बनाया है, क्योंकि मामू जान को ज़्यादा नमक मिर्च जो है वो पसंद नहीं है, इसलिए इसमें हम गर्म मसाला भी नहीं शामिल करेंगे। जस्ट इसमें हमने सब्ज़ धनिया शामिल किया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। नीचे उतार लेंगे इसको हम। बाय।
मामू जी कैसा बनया रकीमा? द कीमा इज वेरी डिलीशियस, कीमा बड़ा ही लजीज है। अल्लाह आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत सारी दुआओं के साथ मुकर्रम सलीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने वालदैन की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।